नमस्कार प्रणाम, हमें रामचंद्र यादव रहुआ सब देख रहा बानी भोजपुरी कनेक्ट। जी हाँ दोस्तों, सीतापुर में है, लाहरपुर गांव में, और भट्ठा बा, देखिए जो है भट्ठा बहुत पुराना बा, और यहाँ पे शूटिंग चल रहा बाटे भोजपुरी फिल्म इश्क नचावे बीच बाजार। आज तक जो है इश्क जो है घर में ही झाड़ी और क्या कहते हैं गार्डन है बाग बगीचे में होते रहे, लेकिन अब बीच बाजार में इश्क अगर नाच रहा बा तो जरूर कुछ खास हुई। तो खास का हुई जानल जाए जब फिल्म देखल जाए तब, लेकिन एक बार फिल्म जो नहीं बने दबंग स्टार कहा जाए। जी हाँ दोस्तों, दबंग स्टार के हैं आई मिल जाए भैया, आपको स्वागत बाटे। दबंग स्टार जैसे आपके नाम और दबंगे आपको दिखत हुआ जी संग्राम सिंह पटेल जी। सबसे पहले मैं आपके भोजपुरी कनेक्ट चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो आज सीतापुर हमारे शूट पर आए, और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चैनल के माध्यम कि आप अपना आशीर्वाद और प्यार निरंतर हमारे पर बनाए रखें। और जाने जाए जो दबंगे वाला नाम बा दबंग स्टार नाम, लेकिन दबंगे भी आपके पीठ पीछे सुने मिला था कि आप मीठा के लिए मीठा और तीखा के लिए तीखा वाले, तो दबंगे आवत कहाँ से? तो टिट फॉर टाइट प्रभु श्री राम से भी मैंने सीखा, क्योंकि संग राम नाम है और राम जी हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं, बड़े भाई भी है, देखिए राम सिंह हमारे खड़े भी हैं और प्रभु श्री राम हमारे साथ ही रहते हैं। तो रामचंद्र जी से मैंने सीखा कि बिना न मानत जल जण और गए तीन दिन बीत। जब प्रभु श्री राम तीन दिन समुद्र के तट पर बैठ के तीन दिन उन्होंने पूजा पाठ किया, तब उन्होंने अपना रौद्र रूप भी दिखाया। तो संग्राम सिंह मेरा नाम है, बहुत ही नरम स्वभाव का, बहुत ही सरल स्वभाव का मैं व्यक्ति भी हूँ, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी भाई करता है मुझे तो मैं जरूर दबंगे ही दिखाना पड़ता है मुझे जी। तो भैया जिसे आप बड़े भाई हैं, राम नाम है, आप संग्राम है, तो इनके बारे में बताल चाहे कि सगे भाई हैं, लेकिन हम यहाँ तो दोस्त जैसे देख रहे हैं। हाँ। कोई अनचिन्हार आदमी देखे तो कहीं भाई 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 तो दोस्त लागत है। हाँ, तो बचपन से हम लोग एक दोस्त के ही तरीके से रहे, और भगवान ने एक ही क्लास का अंतर भी दिया था, तो हम लोग शुरू से साथ में क्लास में जाना, खेलना कूदना, यहाँ तक कि मारपीट झगड़ा बवाल भी करना, ये सब बचपन का जो खेल होता था तो हम दोनों भाइयों ने निभाया। और जैसे इनका नाम है राम सिंह जी, तो प्रभु श्री राम जैसे सीधे सरल स्वभाव के थे तो वैसे भी थे, और मैं संग्राम, और संग्राम में चार शब्द, चार शब्द लक्ष्मण में, तो मुझे लक्ष्मण ही समझ लीजिए, राम है तो मैं लक्ष्मण हूँ, तो लक्ष्मण ही दो मिनट में कब नरम और कब गरम, तो संग्राम सिंह का ये स्टाइल है, मतलब कि नरम दल गरम दल साथ में चल रहा है। जी 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 जी। भैया आपसे जाने चाहे जो फिल्म की शूटिंग। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम सिंह चौधरी, इश्क नचावे बीच बाजार, वैसे भी मैं रियल लाइफ में भी इनके बड़े भाई हैं, फिल्म में भी बड़े भाई का ही किरदार निभा रहे हैं जी। हाँ। और पेशे से आप दोनों डॉक्टर भी हैं जी। तो ये जो इधर एक्टर इधर डायरेक्टर और डॉक्टर, तो डॉक्टर और बता रहे हैं कि बचपन से हम लोग जो एक भाई के साथ साथ दोस्त भी थे, तो जो जिनकी में इनकी रुचि होती है मेरी भी रुचि इसमें रहती है, तो अब की बार तो भाई साथ में भाई का भी किरदार कर रहे हैं, अब तक तो डिफरेंट रोल था। दर्शक लोग जिसे रुचि रहे तो भैया पता चल जाए रुचि के रुचि के रुचि नहीं बात है रुचि मतलब इंटरेस्ट। अच्छा, तो भैया जैसे कि फिल्म में जो है हीरो हीरोइन का प्यार रोमांस में जायज है, स्क्रीन पे दिखता है, ऑन स्क्रीन तो होता है, ऐसे इनका इसके जब आप देखते हो तो आपके मन में होता है आपको भी इसको करना है? अरे भाई हाँ, वो तो होता ही है। इसी के नाते इस फिल्म में इनके साथ प्रिया वर्मा जी, शायद पहली बार इनके साथ एक लेडीज कैरेक्टर कर रहे हैं प्रिया वर्मा जी, तो उनको भी एक हीरोइन मिली है इस फिल्म में, तो इनका भी ख्वाहिश पूरा हो गया इस फिल्म में बड़े भाई का भी हमारे कैसे का एक हीरोइन के साथ है, मतलब इनके साथ भी मलाल नहीं रहेगा क्योंकि हमेशा शिकायत इनकी यही रहती है कि मेरे साथ कोई हीरोइन नहीं रहती, तब की इस फिल्म का मलाल टूट गया है। कितना खुश है हीरोइन पाके? काफी खुश है। भैया जाने चाहे जिसे हंसी मजाक मस्ती भी शूटिंग चल रहा है, क्या कहते हैं फिल्म के बारे में, किस तरह मेकिंग टेकिंग हो रहा है? बहुत ही अच्छी फिल्म इश्क नचाए बीच बाजार, ये हमारी अवध गंगा फिल्म्स प्रोडक्शन जो मेरा अपना खुद है, क्योंकि मैं भोजपुरी में एक नया लुक और एक नया आयाम देना चाहता हूँ। अभी मेरी जो फिल्म आने वाली है मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना, मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आने वाले दिनों में उस फिल्म को देखें, क्योंकि एक नई स्टाइल की भोजपुरी फिल्म मैं देने जा रहा हूँ हर फिल्म में, और ये आपकी जो इश्क नचाए बीच बाजार सीतापुर की धरती पर शूट होने जा रही है, इसको आप देखेंगे तो लगेगा ही नहीं कि भोजपुरी फिल्म, एकदम ने साउथ स्टाइल में फिल्म बनाया और एक नया लुक भोजपुरी को मैंने इस फिल्म के माध्यम से मैं दिया हूँ। भैया आपका कैसा फिल्म शूटिंग के लेके? फिल्म बहुत अच्छा शूट हो रहा है, ये डायरेक्टर कलाकार जितने भी हैं अच्छे हैं, और यहाँ की जनता का भी काफ़ी जो है हम लोगों को सहयोग मिल रहा है,
और मतलब हम लोग और भी तमाम फिल्मों की शूटिंग किए, लेकिन जो यहाँ की जनता का प्यार दुलार मिल रहा है इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो भैया इस फिल्म को सीतापुर में कहाँ कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? सीतापुर में लहरपुर की धरती पर। देखिए मुझे लहरपुर का लोकेशन बहुत ही अच्छा लगा और इसके नचाए बीज बाजार में जरूर लहर हो रहा है, ये लग रहा है लहरपुर में। और लहरपुर की जनता बहुत ही प्यार मोहब्बत दे रही है। अभी मैं मार्केट करने जा रहा, मार्केट नहीं करने दी जनता ने, वो प्यार और मोहब्बत दिया, क्योंकि जनता सिर्फ अपने हीरो और हीरोइन को देखना चाहती है कि हाँ कैसे, उनके साथ समय बिताना चाहती है, सेल्फी के लिए तमाम लोगों का प्यार मिला। तो लग रहा है कि संग्राम सिंह पटेल का जो सपना है आने वाले दिनों में वो पूरा होगा और भोजपुरी में एक नाम जरूर मैं करने। तो भैया कौन कौन फिल्म दर्शक खातिर लेके आए बताओ? चाहो मैं बताया है कि इसी जनवरी से मेरी मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना मेरी पहले ही आ रही है, उसके तुरंत बाद जनता दरबार मेरी आ रही है, उसके तुरंत बाद बलमुआ नदिया पार के आ रही है, और फिर आपका इश्क नचाए बीच बाजार। मतलब बैक टू बैक मेरी लगातार फिल्में हमारी जनता को देखने को मिलेगी मेरी। और तुरंत अभी देखिए इसके बाद मेरी हाई कोर्ट की भी शूटिंग होने जा रही है, फिर उसके तुरंत बाद एसीपी संग्राम जो कि मेरा खुद नाम ही है संग्राम, मेरे इनाम से वो फिल्म भी बनने जा रही है। बहुत ही अलग टाइप की फिल्म, बहुत ही धमाकेदार होगी फिल्म। जितनी फिल्में मेरी आएंगी एक नई नए अलग लुक में मिलेगी आपको देखने को, नए क्लेवर में देखने को मिलेंगी। और दर्शकों से चाहूँगा कि आप अपने इस भाई को, अपने बेटे को, अपने मित्र को ऐसा प्यार दीजिए, क्योंकि मैं बहुत सरल स्वभाव का, बहुत नरम स्वभाव का हूँ और सिर्फ नाम करने के ही लिए आया हूँ। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले एक बधे जंजीर। तो नाम के लिए करना है, क्योंकि मैं हर चीज़ समझता हूँ। मैं डॉक्टर भी रहा, पॉलिटिक्स में भी रुचि रखता हूँ जरूर, लेकिन सेवा, जनता की सेवा करने के लिए भी एक फिल्म के माध्यम से मैं भी काम कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ करना है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आपका प्यार आशीर्वाद दर्शकों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, और एक बार पुनः भोजपुरी कनेक्ट चैनल वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोग। थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।